नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पीके में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इसी के साथ रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रयागराज में नगर निगम के रिक्त पड़े पार्षद पदों के लिए भी अभी हाल में ही चुनाव संपन्न हुए, जहां चुनाव के बाद जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है वह देखने वाली बात है। कोर्ट की मनाही के बाद भी जीते हुए प्रत्याशी के सैकड़ों समर्थकों ने सड़कों पर विजय जुलूस निकाला। फिलहाल देश और प्रदेश में कोरोना का संकट चल रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी की बात कह रही है। ऐसे में इस तरीके के विजय जुलूस निकाले जाने पर संक्रमण की दर निश्चित तौर पर और भयावह होगी। प्रयागराज के अतरसुईया थाना अंतर्गत निकाले गए इस विजय जुलूस को प्रयागराज पुलिस ने गंभीरता से लिया और 16 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पंचायत चुनावों में के अलावा जो यहाँ पर नगर निगम के चुनाव हुए थे, इसमें भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए विजय जुलूस निकाली गई है। सर, इसमें सर किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करेगी और किस तरह के मुकदमे कायम किए जाएंगे? अतरसुईया क्षेत्र में एक जुलूस निकाला गया था जो अभी पार्षद के चुनाव में था, इस पर मुकदमा कायम कर दिया गया है और इनकी 10 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। अन्य लोगों की भी अरेस्टिंग के इसका प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ भी कोई इसका उल्लंघन करेगा, कोरोना का भी उल्लंघन करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, ये जो देखा जा रहा है कि विजय जुलूस का सिलसिला गांव क्षेत्रों में भी बना हुआ है, वहाँ पर भी किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? वहाँ सभी जगह जहाँ भी जुलूस निकाला गया है, किसी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है और वहाँ गिरफ्तारी की जा रही है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज।